नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, चाइना और सऊदी अरब अब एक दूसरे के काफ़ी करीब आने लगे हैं। अब तो दोस्तों बात यहाँ तक आ चुकी है कि सऊदी अरब चीन से 12 टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर खरीदने की योजना बना रहा है और अबू धाबी में अभी हाल ही में हुए अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी यानी कि इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो में चीन ने अपने इस युद्धपोत को प्रदर्शित किया था। अब ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब की सेना, जो कि पहले से ही चीन के साथ बातचीत कर रही है और भविष्य में इस प्रकार के 12 जहाज़ों को खरीदने वाली है। जैसे ये खबर सामने आई तो अमेरिका से लेकर चीन तक हलचल मच गई है। चीन की सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे चीन सऊदी अरब संबंधों में मील का पत्थर कहा है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने इस डील पर बारीकी से नज़र बना के रखी हुई है। चीन की तरफ से सऊदी अरब को 12 की संख्या में टाइप 052D युद्धपोत की कीमत 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है और अगर सऊदी अरब इतने बड़े पैमाने पर हथियार खरीदता है चाइना से तो ये चीन के हथियारों की बिक्री में एक और नया रिकॉर्ड हो जाएगा। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि सऊदी अरब के लिए 12 की संख्या में टाइप 052D युद्धपोत की खरीद करना कहीं से भी प्रासंगिक नहीं लगता है। सऊदी अरब को चीन से इतनी संख्या में युद्धपोत की खरीद के लिए 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने होंगे, जबकि सऊदी अरब का सैन्य खर्च लगभग 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि पहले से ही GDP का 6.6% है। ऐसे में सऊदी अरब के लिए अपने रक्षा बजट को बढ़ाना भी काफ़ी मुश्किल है और इस तरीके की सैन्य खरीद से दूसरे सैन्य परियोजनाओं पर नकारात्मक असर भी हो जाएगा। सऊदी अरब अब तक अपने अधिकांश हथियार अमेरिका से ही खरीदता रहा है। ऐसे में अन्य देशों से हथियार की खरीद के लिए सीधे तौर पर उसे अधिक बजट खर्च करना होगा और अपने बजट को बढ़ाना होगा। अगर बात करते हैं सऊदी अरब की नौसेना की, तो सऊदी अरब की जो नौसेना है वो सिर्फ समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहती है, इसके अलावा अपतटीय क्षेत्रों की भी सुरक्षा करना चाहती है। वर्तमान में सऊदी अरब की नौसेना के पास 8 फ्रिगेट्स हैं और अभी तक उनके पास कोई डिस्ट्रॉयर नहीं है और अगर वो यानी कि सऊदी अरब चाइना से टाइप 052D जैसे 12 जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उन्हें खरीद लेता है तो ये सऊदी अरब की नौसेना की जो युद्ध क्षमता है उसे बढ़ा देगी। हालांकि दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा ना भी हो कि सऊदी अरब इतनी बड़ी संख्या में चाइना के इन डिस्ट्रॉयर्स को खरीद सके, लेकिन सऊदी अरब चीन से टाइप 052D की छोटी संख्या खरीद सकता है ताकि उसकी नौसैनिक क्षमता बढ़ जाए और उसे भारी भरकम बजट भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। आखिर क्यों खरीद रहा है सऊदी अरब इस टाइप 052 डिस्ट्रॉयर को, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल दोस्तों ये जो टाइप 052D डिस्ट्रॉयर है उसे चीनी पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी इस्तेमाल करती है और ये उनका गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। टाइप 052D पहले से ही एक्टिव 052C का एक बड़ा वेरिएंट है। ये युद्धपोत रिवॉल्वर टाइप वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम और साइलो टाइप मिसाइल सिस्टम से लैस है। इसमें फ्लैग पैनल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार लगा हुआ है। इस युद्धपोत की एक मेन गन है जो कि 130 mm की है। यही नहीं, इसके अलावा SQ-10 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ये लॉन्च कर सकता है, जिसके लिए इसमें 24 सेल का एक लॉन्चर है। यही नहीं, इसके अलावा 64 सेल का एक वर्टिकल लॉन्चिंग सेल भी लगा है। इस सेल में SU-9 सरफेस टू एयर मिसाइल, VJ-18 सरफेस टू सरफेस मिसाइल और CY-5 एंटी सबमरीन मिसाइल लगी हुई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा झटका अमेरिका के लिए है। जो सऊदी अरब अब तक अमेरिका से हथियार खरीदता आया है अब वो चाइना की तरफ झुक रहा है, तो ये चाइना की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है जिसके तहत वो अब सऊदी अरब को अपने जाल में फंसा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।